गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. एक्सरसाइज 9.3. फॉर्म आर डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स ए एंड बी. मैंने आपको बताया था कि आपके सामने ये इक्वेशन है, आपको आर्बिट्री कॉन्स्टेंट को एलिमिनेट करना है. जब आप एलिमिनेट करेंगे तो जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो हमको फॉर्म करना है. तो मैंने यहाँ पे कहा था कि यहाँ पे कितने आर्बिट्री एलिमेंट हैं, दो. अगर दो आर्बिट्री एलिमेंट हैं तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, सेकंड ऑर्डर का होगा. अगर सिंगल है तो सिंगल ऑर्डर का होगा. अगर आर्बिट्री कॉन्स्टेंट थ्री है तो ऑर्डर थ्री का बनेगा डिफरेंशियल इक्वेशन. तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो क्या आ जाएगा, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी वाई डैश इक्वल टू जीरो. अब इसको आप इधर ले आइए, माइनस 1 बाई ए, ये आपका हो जाएगा वाई डैश, 1 बाई बी वाई डैश, बी को आप इधर ले आइए, ये आ जाएगा. अब मैंने आपसे क्या बताया बच्चों, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट को एलिमिनेट करना है, तो इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए. अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स को एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा. तो यानी इसका आंसर क्या आएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो. ये इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा. बी पार्ट, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2y dy by dx इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है किनारे कर लीजिए, और ये जीरो हो जाएगा, ये माइनस का 2x हो जाएगा. तो यहां से क्या आ जाएगा, माइनस का 2ax इक्वल टू 2y dy by dx. 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो y y डैश इक्वल टू माइनस ax आ जाएगा आपका. ये आप इक्वेशन वन मान लीजिए, ये आप इक्वेशन टू मान लीजिए. अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि दो कांस्टेंट है यहां पे. अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा, वाई ये आपका जब एक बार और करेंगे डिफरेंशिएट तो ये वाई डबल डैश हो जाएगा, प्लस यू भी लगा रहे हैं, फिर वाई डैश को ऐसे ही लिखा, y क्या करेंगे तो फिर dy by dx आ जाएगा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, यहां पर क्या आएगा बच्चों, माइनस का a आएगा. अब आप क्या काम करिए, इस यहां से इक्वेशन टू से सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a फ्रॉम टू, वैल्यू ऑफ a फ्रॉम टू इन इक्वेशन थ्री, ये आप थ्री इक्वेशन मान लीजिए, इन इक्वेशन थ्री, यहां से वाई वाई डैश, वाई वाई डबल डैश प्लस वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए की वैल्यू यहां से निकालिए, तो क्या आएगी, वाई वाई डैश अपॉन एक्स. तो एक्स को बच्चों इस तरफ शिफ्ट कर लीजिए आप, ये x इस तरफ शिफ्ट कर लीजिए. अब इसी को थोड़ा ठीक से लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो गया, x y y डबल डैश प्लस y डैश स्क्वायर इक्वल टू y y डैश, इसी को आप लिख दीजिए. c पार्ट, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसको इक्वेशन वन मान लिया करिए बच्चों, डिफरेंशिएट करिए, y डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 a e टू द पावर 3x माइनस 2 b e टू द पावर माइनस 2x. अब अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए, एक बार और कर दीजिए, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y डबल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 a e टू द पावर 3x प्लस 4 b e टू द पावर माइनस 2x.
अब बच्चों यहां पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अगर मैं, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, ये आपकी थर्ड इक्वेशन है, अगर मैं सब्ट्रैक्ट टू फ्रॉम थ्री करता हूं, सब्ट्रैक्ट टू फ्रॉम थ्री से क्या होगा बच्चों, ये सिक्स ए ई टू दी पावर थ्री एक्स आ जाएगा और प्लस का सिक्स बी ई टू दी पावर माइनस टू एक्स आ जाएगा, यानी कि इधर भी सिक्स आएगा इधर भी सिक्स आएगा। तो मैं क्या काम करूंगा, मैं इक्वेशन वन में सिक्स से मल्टीप्लाई करके इसके साथ एडजस्ट कर दूंगा। कैसे, देखिए ध्यान से, मैं क्या काम कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन टू फ्रॉम थ्री, पहले इतना काम कर लीजिए। तो क्या होगा, जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको इसमें से, तो y डबल डैश माइनस का y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 माइनस थ्री सिक्स ए टू दी पावर थ्री एक्स, माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस का 4 प्लस टू सिक्स बी ई टू दी पावर माइनस टू एक्स। अब यहां भी 6 है यहां भी 6 है, 6 कॉमन ले लीजिए, ए ई टू दी पावर थ्री एक्स प्लस सिक्स प्लस b e टू दी पावर माइनस टू एक्स, इसकी जगह क्या ले सकते हैं बच्चों आप, y, इसकी जगह आप क्या ले सकते हैं, ये आपका y डैश होगा, ये आपका हो गया y डैश, ये y हो जाएगा बच्चों, तो आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी y डबल डैश माइनस का y डैश इक्वल माइनस का 6y इक्वल टू जीरो, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये वन इक्वेशन मान लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन, ये y डैश हो जाएगा इक्वल टू, यहां पर आप uv लगा दीजिए, ये जीरो हो जाएगा, ये प्लस का b आ जाएगा, फिर क्या होगा बच्चों, प्लस, अब की बार इसको ऐसे ही लिख दीजिए, और ये क्या हो जाएगा, टू e टू द पावर टू एक्स, ये इक्वेशन टू मान लीजिए, फिर डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, वाई डबल डैश हो जाएगा इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा टू बी ई टू द पावर टू एक्स प्लस टू, तो किनारे कर दीजिए, यहां पर फिर यू वी लगाइए, तो एक बार ऐसे ही लिख दीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका बी प्लस, अब की बार इसको ऐसे ही लिख दीजिए, इसका करेंगे तो क्या आएगा, टू ई टू दी पावर टू एक्स, वाई डबल डैश इक्वल टू टू बी ई टू दी पावर टू एक्स प्लस टू बी ई टू दी पावर टू एक्स, फिर टू टू जा फोर हो जाएगा, फोर ई टू दी पावर टू एक्स ए प्लस बी एक्स। ये चीज आपकी रिपीट हो रही है बच्चों, ये आपका क्या है, वाई है, तो इसकी जगह तो मैं फोर वाई लिख दूंगा, ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों, फोर बी ई टू दी पावर टू एक्स। अब ध्यान से देखिए जरा इक्वेशन टू को, देखिए इक्वेशन टू को मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या है, वाई है, तो ये आपका हो गया टू वाई। अगर मैं इसकी वैल्यू को बी ई टू दी पावर टू एक्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता हूं यहां पर, तो मेरा बात बन जाएगा, ठीक है, तो पुट वैल्यू ऑफ बी ई टू दी पावर टू एक्स फ्रॉम टू, सेकेंड इक्वेशन में मान लीजिए, इन अबव इक्वेशन, तो ये क्या आ जाएगा, वाई डबल डैश इक्वल टू वाई डैश माइनस टू वाई प्लस फोर वाई, ये आपका आ जाएगा फोर वाई डैश माइनस का एट वाई प्लस का फोर वाई, तो आपका आ जाएगा इक्वेशन वाई डबल डैश
माइनस का फोर वाई डैश, ये माइनस का फोर इधर जाके प्लस का फोर हो जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको बच्चों, करने का एक तरीका है सिंप्लीफाई, मैं आपको सरल तरीका समझा रहा हूं। आप क्या काम करिए, समझ लीजिए ये लिखा हुआ है वन अपॉन ई टू दी पावर माइनस एक्स, तो मैं इस तरफ शिफ्ट कर लेता हूं इसको, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, मैंने इक्वेशन को ही चेंज कर लिया आपने। अब डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यहां पे यू भी लगाइए, ये आएगा इसका किया प्लस, ये ऐसे ही लिखा, यहां पे क्या आएगा माइनस का ई टू द पावर माइनस एक्स, ये लिख दिया इक्वल टू, यहां पे करिए माइनस का ए साइन एक्स प्लस का बी कॉस एक्स। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां फिर से करिए ई टू द पावर माइनस एक्स, ये क्या आ जाएगा वाई डबल डैश एक्स प्लस, अब की बार इसको ऐसे ही लिखेंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस का ई टू द पावर माइनस एक्स, इसमें यू भी लगा दिया मैंने, यहां आ जाइए अब माइनस का, अब यहां यू भी लगाइए, ये आपका आ जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स वाई डैश प्लस, अब की बार y को रोक लेंगे तो e माइनस का e टू द पावर माइनस एक्स आ जाएगा, ये कर दिया आपने, इक्वल टू यहां क्या आएगा माइनस का a cos x माइनस का b sin x, यहां से माइनस a कॉमन ले लीजिए, सॉरी माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, तो a cos x प्लस b sin x, इसकी जगह तो बच्चों आप लिख देंगे ये आपका आ जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स वाई। अब इसको ओपन कर लीजिए बच्चों, ये आपका आ जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स वाई डबल डैश माइनस का वाई डैश ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस का ई टू द पावर माइनस एक्स वाई डैश माइनस इंटू माइनस प्लस वाई ई टू द पावर माइनस एक्स। अब आप सबको एक तरफ ले आइए, जब आप सबको एक तरफ ले आएंगे तो e टू द पावर माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए, तो यहां क्या आ जाएगा y डबल डैश आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का 2y डैश हो जाएगा, ये इधर प्लस का आएगा तो यहां से प्लस का 2y हो जाएगा इक्वल टू जीरो, e टू द पावर माइनस एक्स को उधर करेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो आपका y डबल डैश माइनस का टू वाई डैश प्लस का टू वाई इक्वल टू जीरो, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू वन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये वाई डैश हो जाएगा इक्वल टू ए तो कॉन्स्टेंट किनारे कर दीजिए, साइन का कॉस हो जाएगा कॉस एक्स प्लस बी हो जाएगा और फिर अंदर जाएंगे तो वन आ जाएगा, ये इक्वेशन टू हो गया। अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग टू विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई डबल डैश इक्वल टू माइनस का ए साइन एक्स प्लस बी। अब आप ध्यान से देखिए इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से वाई लिख सकते हैं, तो वाई डबल डैश प्लस वाई, ये माइनस है इधर जाके प्लस हो जाएगा इक्वल टू जीरो, ये आपका आंसर आ जाएगा।